दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए ट्रेडिंग का 30 डेज का चैलेंज। इस चैलेंज को अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये चैलेंज क्या होगा, इसके ऊपर हम 5-6 चीजों के ऊपर काम करने वाले और कंटिन्यू 30 डेज। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप ट्रेड करते हो या तो आपका अकाउंट जीरो होता है या जहां पे आप स्टॉप लॉस रखते हो वहां पे स्टॉप लॉस फिट होने के बाद आप देखते हो कि मार्केट वहीं जा रही थी जहां हमने पहले एनालिसिस किया था। तो आखिरकार कौन कौन सी चीजें हैं वो जिसके ऊपर आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, तब जाके आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप 30 डेज मेरे साथ चलोगे, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और मैं जैसे मैं ट्रेड करूंगा वैसे ही आपको भी ट्रेड करना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको मैं पूरा एनालिसिस दूंगा, आपका डेली का प्रॉफिट भी होगा, लेकिन प्रॉफिट इस हिसाब से होगा जैसे मैं बताऊंगा कि आपको क्या लॉट साइज लेना है, आपको बाय करना है कि सेल करना है, आपको कब मार्केट से निकल जाना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। आज से हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इस चैलेंज के ऊपर हमको काम करना है कि हम जब मार्केट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट बाय के लिए है सेल के लिए है, एनालिसिस मैं आपको खुद दूंगा, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। आपको इस चीज की कोई भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है। आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, मैं आपको वहां पे एनालिसिस का सारा भेज दूंगा कि हमको कहां पे बाय करना है कहां पे सेल करना है। पहला पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि आपका अकाउंट कितने का है और आपका लॉट साइज क्या लग रहा है। क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि आप एक दिन अगर आपका अकाउंट 100 डॉलर का है, 500 का है, 1000 का है, आप पूरा उतना निकाल देते हो लेकिन अगले 2 दिन में आपका अकाउंट जीरो। ऐसा ही आपने भी होता होगा, क्योंकि जितने मैं जुड़ रहा हूं जो मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनका ऐसा ही होता है कि सर हम लॉस ही कर रहे हैं ओवरऑल। अगर आप एक वीक प्रॉफिट भी कर रहे हो अगले वीक आप सारा लॉस कर देते हो। तो सेकंड हम काम करेंगे लॉट साइज के ऊपर। देखो अगर आपका अकाउंट मान लो 100 डॉलर का है, ठीक है, आपका अकाउंट अगर 100 डॉलर का है तो आपको क्या लॉट लेना होगा इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये मैं बोलूंगा अगर आपका 100 डॉलर का अकाउंट है आपका 0.01 से ऊपर का लॉट नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर भी मैं आपको ऑलमोस्ट 100 पिप का प्रॉफिट डेली निकाल के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये इस चैलेंज के ऊपर सब आएगा, आपको कोई फीस नहीं देनी, ये सब कुछ फ्री में है। क्योंकि ये 4-5 पॉइंट के ऊपर आप काम करोगे 30 डेज कंटिन्यू। क्योंकि अगर आपका अकाउंट ये है तो आपको यही लॉट साइज 30 डेज लेना है, ताकि इससे आपका क्या होगा माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ इसके ऊपर मेरे को इतना ही लेना, इससे आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा। सबसे ट्रेडिंग में मैं चीज ये है कि अपना पैसा कभी भी लॉस मत करो, पहला रूल ये है ट्रेडिंग का। अगर लॉस कर भी रहे हो, सेकंड रूल ये कहता है कि आपका जो कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए अमाउंट है उसको खत्म मत होने दो, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। सेकंड हमारा होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, हमको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। पहला पॉइंट हो गया कि हमको एनालिसिस करना है, हमको अपने एनालिसिस के ऊपर परफेक्ट रहना है, मार्केट बाय के लिए सेल के लिए हमको ट्रेड लेना है और हमको अपना टारगेट पॉइंट देना है क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा वो हमको डाल देना है और उसका वेट करना है। चाहे हमको सुबह से एक ही ट्रेड लेना पड़े 100 पिप का, वो हाँ 100 पिप का, 200 पिप का टारगेट हो, उसके ऊपर हमको वेट करना है जब तक मार्केट वहां पे नहीं जाएगा। हो गया ये। अगर अब मैं लॉट साइज की बात करूं, क्योंकि मैं यही है जिसका 500 डॉलर का अकाउंट है, ठीक है, 500 डॉलर, वो 0.05 तक का लॉट ले सकता है और मैक्सिमम वो 0.06, इससे ऊपर का लॉट साइज नहीं लेगा। और 0.07 वो तब लेगा अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बन रहा है, मतलब एकदम जहां पे बाय या सेल हो रहा है वहां से मार्केट हमारे खिलाफ चलेगी, तो वहां पे आप बड़ा लॉट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं बोलूंगा ग्रुप में। बाकी आपका नॉर्मल ट्रेड स्टार्ट होगा 0.05 से, जिसका 1000 का है वो 0.10-0.11 तक लेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा नॉर्मल होगा। अगर ये मैं बोलता हूँ कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जितने भी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दूंगा 30 डेज के बाद आप लोगों को सिखाओगे कि ट्रेडिंग की एक्चुअल पावर क्या है, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ देखा कि ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं, आपने कमाए नहीं है। आपने अगर एक दिन कमाए हैं दूसरे तीसरे दिन आपने आई एम श्योर कि आपने वो लॉस कर दिए होंगे, क्योंकि मैं अभी तक 1000-5000 जितने भी लोग मेरे से ट्रेडिंग को लेके आते हैं कि सर हमारा लॉस हो रहा है, देखता हूँ अकाउंट 1000-2000-5000 अभी तक लॉस कर चुके हैं किस्तों में। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने लाया 1000-2000 बना के निकल गए, नहीं, ये एक बिजनेस है। अगर उसको एक बिजनेस की तरह लोग, क्या आपने कोई बिजनेस देखा है जो 1000 से स्टार्ट हो या 10000 से, नहीं। इसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको किस किस के ऊपर काम करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। धीरे धीरे ग्रो होता है, एक दिन में आप बोलोगे मैं 1 लाख ला रहा हूँ, अगले दिन 1 लाख बना दूंगा, फिर तीसरे दिन खाली, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका जो अमाउंट है मान लो 5000 डॉलर है, आपका 500 डॉलर है, अगर आप इसका 10% भी निकाल रहे हो डेली का, तो क्या वो ज्यादा नहीं, मैं तो बोलता हूँ अगर 5% भी निकाल रहे हो जो आपका कैपिटल है वो सेफ है, तो
तो आप तो बहुत ज्यादा पैसा निकालोगे, क्योंकि बैंक में आप डालोगे वहां पे कितना आपको निकलता है, 3 साल के तो आपको 5% या 11% तक का मैक्सिमम जो है बैंक में आपको प्रॉफिट मिलता है, वो भी 3 साल 4 साल आपको अपना पैसा फिक्स रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप डेली का यहाँ पे 5% निकालोगे तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मान लो ये तो हो गया, आपको दिखता है कि 5,000 रुपये के ऊपर में 5% से 50 रुपये, आप मान लो जिसका 10,000 रुपये का अकाउंट होगा, जिसका 20,000 का होगा, जिसका 50,000 रुपये का अकाउंट होगा, उसका 5% कितना बनता है देख लो आप कैलकुलेट करके कितना बनता है। अब जिसका जितना बड़ा अमाउंट होगा उसका उतना बड़ा जाएगा, आपको एक ही दिन में लखपति नहीं बना है और वो कभी बन नहीं पाओगे आप। अगर आपको लगता है कि मैं 100 डॉलर लेके आ रहा हूँ रोज का 100 निकालूंगा, उसके चक्कर में आप कभी प्रॉफिट करते ही नहीं हो, आप हमेशा लॉस ही करते हो, उस 100 को भी खत्म कर देते हो। तो इसलिए कभी भी जो आपका पैसा है उतना ही लाओ जितना आप उस पर 5% निकाल सकते हो या 10% दिन का। ये होगी 3 चीज। उसके बाद चौथी चीज जो हमको काम करनी है वो है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, मान लो आपका 5% मार्केट से निकल गया, जो भी आपका प्रॉफिट है आपको ट्रेड नहीं करना, आपका अगर टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, जो आपका टारगेट पॉइंट रहेगा आपको ट्रेड क्लोज करना है, उसके बाद मार्केट जहां भी जाएगी आपको उस मार्केट के साथ कुछ नहीं करना, कोई ट्रेड लगाना ही नहीं, ओवर ट्रेडिंग करनी ही नहीं है इन 30 डेज में। ये मेरा चैलेंज है, आप मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट करो, फिर देखना कि अभी तक जो आपने ट्रेडिंग की उसमें कितना प्रॉफिट आपने एक मंथ निकाला है और इस एक मंथ में कितना प्रॉफिट निकालोगे। और डेली मैं आपको अपना प्रॉफिट अपने ग्रुप में शेयर करूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर, हर रोज हमारी वीडियो आएगी ट्रेडिंग का फर्स्ट डे सेकंड डे चैलेंज, बट यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर होगा हमारा प्रॉफिट आपके साथ शेयर होगा, और आप कितना निकाल पा रहे हो जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ उसके हिसाब से लॉट साइज 0.01 के लॉट पे कितना प्रॉफिट निकला, 5 पे कितना निकला, 10 पे कितना निकला, ये हर दिन लाइव जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप यूट्यूब हर जगह। इस हिसाब से मंथ के एंड तक 30 डेज के बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 100 डॉलर वाले ने कितना निकाला होगा, 500 वाले ने कितना निकाला होगा, 1,000 वाले ने, इसके हिसाब से जो आगे बढ़ जाएगा वो कितना किसने कितना निकाला होगा सब कुछ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और फिर आप देखना कि यार एक्चुअल तो यही है कंसिस्टेंसी, आप एक दिन 100 पे 100 निकाला इससे आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाए जब एवरेजिंग 0 कर दोगे। अगर डेली का 10 निकालोगे तो कैलकुलेट करो 30 डेज कितना बनता है, एक वीक में 5 दिन 50 डॉलर, दूसरे के 50 हो गया 100, मंथ के 4 वीक में आपने 200 निकाल दिया और आपका कैपिटल भी सेफ है, जबकि आप खुद से 100 के ऊपर आप 50 निकाल रहे हो एक दिन में, अगले दिन सारा खाली, मतलब आपने कुछ नहीं किया लॉस में गए। तो उसी के ऊपर हमने ये चैलेंज निकाला है आप सबके लिए, बाकी जिसको ट्रेडिंग नहीं आती कुछ भी नहीं आता उसके लिए हमने एक अलग से एक पूरा कोर्स चलाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z, जाके वो वाला देखो, वहां पे हम आपको पूरा सिखाने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। और आप सबका जितने भी फैमिली मेंबर हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कोई फ्रेंड कोई भी, उनको ये सब ये वीडियो शेयर करो ताकि सब लोग यहाँ पे जुड़ पाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप।